बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दीवानी हांडी हमारे यहाँ कहते हैं जिसमें मिक्स वेजिटेबल सब डाल के नाश्ता अपना बनाया है। अब ये नाश्ते की ट्रे जो है वो मैं चाहता था आपको दिखा दूँ। इस पे मैंने रखा है जैतून का तेल इनके ज़रूरत हो, और ये है नमक और काली मिर्चें। काली मिर्चें मैं छिड़कूँगा, और चपाती है, और थोड़ा सा सैलड है, ग्रीन सैलड है, गेहूँ जनाब अली खीरा और सैलेट के पत्ते, और ये पेरी पेरी क्या बोलते हैं वो मिर्ची तेज़ वाली, वो मैंने बनाई है, मेरा खुद का बनाया हुआ सीधा पर ये साथ में रखा है। और जनाब इस पर डालेंगे हम काली मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च जो है खाने को टेस्ट को बहुत डेवलप करती है, इसलिए काली मिर्च में छिड़कूंगा थोड़ी सी। नमक ऑलरेडी है, जैतून का तेल मैं डाल चुका, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा और। बस जनाब माशाल्लाह तबारकल्ला, आखिरी चीज टच अपनी सब्जी की प्लेट पे, दीवानी हांडी की सब्जी की प्लेट पे, दीवानी सब्जी के प्लेट पे ग्रीन वेजिटेबल इसके ऊपर धनिया, और आपको पता ही है मैं मिर्चें खाने का शौकीन हूँ, इसलिए मैंने एक हरी मिर्च भी काट के रखी है, तमाम के तमाम हरी मिर्च भी है इसमें डाल दिया जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता तैयार। किसी दिन अगर आप गोश्त खाएं तो दूसरे दिन सब्जी खाएं, या कोई और चीज़ पे जोर रखें ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारा कायम रहे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे। इसकी पोस्ट मैं जल्दी डाल दूँगा, बल्कि आज ही डाल दूँगा मैं, क्योंकि मेरे फुर्सत चाहिए होती कि वो यार वो फिर मिस नहीं हो जाए, इसलिए मैं डाल देता हूँ। उम्मीद है आप दुआओं में मुझे याद रखेंगे। सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, ज़रूर कीजिएगा।